बिग बॉस के घर में अभी रात में टास्क चल रहा है जिसमें सबसे बेस्ट तो मुझे एलविश का लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भले वो कितना भी ट्रोल करता हो लोगों को या रोस्ट करता हो घर के अंदर जाने के बाद भी, बट आखिरकार उन्होंने अविनाश को चुना तो सही इंसान चुना, और क्योंकि उनको बहुत अच्छे से एक्ट करके बता रहे थे कि वो घर के अंदर एक्चुअली दिख कैसे रहे हैं। हालांकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि मनीषा रानी को हमेशा पूजा भट्ट की ज़रूरत क्यों लगती है। ठीक है, आप अपने दोस्त अभिषेक को पूछ सकते हो कि उनकी क्या राय है, बट हमेशा वो पूजा भट्ट के हिसाब से चलती आ रही, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बिकॉज आई ऑनेस्टली लाइक हर एज ए कंटेस्टेंट, बट एज ए कैप्टन थोड़े अभी डाउट्स होने लगे हैं। बिकॉज ऑलवेज वो कैप्टनसी के दौरान भी लोगों के, मतलब लोगों के लिए बेसिकली उनकी राय मांगती रहती है, जो सही नहीं है। बिकॉज इससे ऐसे सवाल उठेंगे कि कैप्टनसी वो नहीं चला रही थी, कैप्टनसी पूजा भट्ट चला रही थी या अभिषेक चला रही है। अभिषेक के बारे में तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ज़्यादा राय तो वो पूजा भट्ट से लेते हुए नज़र आती है, और अभिषेक के साथ मस्ती कर दिया है तो दोस्त वगैरह हालांकि सब शेयर भी करती है वो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एलविश यादव ने बहुत अच्छे से इनैक्ट किया, एंड आई डू अग्री विद आशिका भाटिया, क्योंकि डेफिनेटली वो दोनों बाहर से आए हैं, तो बाहर से काफ़ी अच्छे से देख कर आए हैं, ऑब्जर्व करके आए हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट कैसा है। आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। एंड फॉर मोस्ट एक्सक्लूसिव बिग बॉस अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद टेलीजस्ट का।